हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पीएससी पार्ट थर्ड में यूनिट थर्ड के बारे में। यूनिट थर्ड है हमारी कार्बोहाइड्रेट्स। देखो, यूनिट फर्स्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो हमने अभी नहीं पढ़ी है। यूनिट सेकंड थी विषम चक्रीय यौगिक हीटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब है यूनिट थर्ड कार्बोहाइड्रेट। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है? कार्बो और हाइड्रेट्स, दैट मीन्स इनमें क्या होता है? कार्बन। और क्या होता है? हाइड्रेट्स मतलब H2O। तो ये किससे मिलके बनते हैं? CO2 प्लस H2O, NCO2 प्लस MH2O मिलके क्या बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश या क्लोरोफिल में H2O मिलके सूर्य के प्रकाश, फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल। क्या बनाते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। एंड जैसे हम बात करते हैं C6H12O6, दैट मीन्स C6H2O6। ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का। सेम ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलके बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन तथा हाइड्रेट्स, कार्बो तथा हाइड्रेट से मिलके बने होते हैं। CO2 प्लस MH2O मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो यूनिट है वो बायो वालों के लिए बहुत इजी है, क्योंकि बायो वाले बच्चे इसको बॉटनी में भी पढ़ते हैं और मैथ्स वाले बच्चे केवल केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए डबल फायदा है। वो उसको जियोलॉजी बॉटनी में भी पढ़ रहे हैं और यहाँ पे केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हैं। मैथ्स वाले बच्चों के लिए नई यूनिट है तो उनके लिए रिएक्शंस, लेकिन इसमें सारी अगर बात करें बायो वाले बच्चे या मैथ्स वाले बच्चे दोनों को इसमें पढ़नी तो रिएक्शंस ही है, सारी इसमें रिएक्शंस हमको पढ़नी है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होते हैं और कीटोनिक ग्रुप होते हैं, तो दोनों की हमें रिएक्शंस पढ़नी है। और एल्कोहल साथ में क्या होते हैं? एल्कोहल्स। तो अभी हमने बात करी है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? जो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होते हैं। क्या क्या उपस्थित होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होते हैं, उसको क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। उसको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन, जैसे ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज का फॉर्मूला बहुत सारे हैं। ये है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। अभी बात करेंगे बाद में क्लासिफिकेशन। तो ग्लूकोज क्या होता है? C12 ऊपर लिखा है हमने फॉर्मूला, S12O6, और यही सेम फॉर्मूला किसका होता है? फ्रक्टोज का। बस इनमें अंतर क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में एक में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, एक में कीटोनिक ग्रुप होता है। इसका कॉमन फॉर्मूला है C6H12O6। या बात करें सुक्रोज की, अगर बात करें सुक्रोज की, तो सुक्रोज में क्या होता है कॉमन फॉर्मूला? C12H22O11। सुक्रोज क्या होता है? C12H22O11। दैट मीन्स हम बात क्या कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स किन से मिलके बने हुए होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलके बने हुए कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। इनमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात, देखो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का अनुपात क्या है? 2:1 है क्या? 2:1 है। अगर बात करें इनके वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन में इनको दो भागों में बांटा गया है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनको दो भागों में बांटा गया है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट तथा जटिल कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट तथा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट।
देखो कार्बोहाइड्रेट्स वापस सुन लो क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिन उनको बोला जाता है जिनमें कार्बन या हाइड्रेट्स, हाइड्रेट मतलब वाटर, वाटर होता है। तो ये मिलके क्या बनाते, इनका कॉमन फॉर्मूला है CnH2OM, ये इनका कॉमन फॉर्मूला है। ये कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। जैसे हम बात करें ग्लूकोज की, फ्रक्टोज की, सुक्रोज की, मेनोज की, रेफिनोज की, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, दीज आर कॉमन, एंड सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। अब हम बात कर रहे हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। इसके क्लासिफिकेशन में ये दो प्रकार के हमने बोला है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट तथा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मतलब सरल कार्बोहाइड्रेट तथा जटिल कार्बोहाइड्रेट। अगर सरल कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो उनमें आते हैं मोनोसैकेराइड्स। सरल कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आते हैं, मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड ग्लूकोज का फ्रक्टोज। कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो इनमें होते हैं डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड या फिर पॉलीसैकेराइड। सिंपल है मोनोसैकेराइड्स, इनको हम अलग से पढ़ेंगे, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स तथा पॉलीसैकेराइड्स। अब हम बात करेंगे सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स के बारे में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मोनोसैकेराइड की। तो मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, ये क्या होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट। इनमें 4 से 6 कार्बन परमाणु होते हैं। इनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 to 6 होती है तथा जल अपघटन होने पर ये छोटे शर्करा मॉलिक्यूल्स में अपघटित नहीं होते हैं। हाइड्रोलिसिस होने पर, हाइड्रोलिसिस होने पर ये छोटे सुगर मॉलिक्यूल्स नहीं देते हैं क्योंकि बेचारे खुद ही छोटे हैं, खुद की ही संख्या कहां से स्टार्ट है, 4 से। तो ये कभी भी इनका जल अपघटन नहीं होता है। जल अपघटन होने पर ये कभी भी छोटे सुगर मॉलिक्यूल्स नहीं देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं C12O6H12O6+H2O, या फिर जल अपघटन अगर हम करा रहे हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है, रिएक्शन नहीं होती है। इसके एग्जाम्पल है
एग्जाम्पल है इसके ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सबसे पहला है ये मोनोसैकेराइड, इसके एग्जाम्पल है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज। बात करें दूसरा डाइसैकेराइड्स के बारे में, डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं? ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तथा ये जल अपघटन होने पर हाइड्रोलिसिस पर दो छोटे सुगर मॉलिक्यूल्स देते हैं। दो छोटे सुगर मॉलिक्यूल्स देते हैं। जैसे अगर बात करें C12H22O11 प्लस H3O प्लस, देखो H3O प्लस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं H2O या H प्लस, ठीक है। C12H22O11 क्या होता है? सुक्रोज। ये किस में परिवर्तित हो जाता है? ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में, सुक्रोज है ये, ग्लूकोज तथा अगली बात समझ में। जल अपघटन पर ही छोटे दो सुगर मॉलिक्यूल्स में परिवर्तित हो गया, जैसे सुक्रोज किस में हो गया? ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में। अगर बात करें माल्टोज की, तो माल्टोज किस में टूटता है? दो यूनिट ऑफ ग्लूकोज में। बात करें माल्टोज की, तो माल्टोज का फॉर्मूला तो यही होता है, प्लस H2O, सेम है। ये क्या देता है? दो यूनिट ऑफ, इसको ऐसे अलग अलग लिख लो, दो यूनिट ऑफ ग्लूकोज। माल्टोज किस में परिवर्तित होता है? ग्लूकोज में। डाइसैकेराइड्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं और ये जल अपघटन होने पर दो छोटे सुगर मॉलिक्यूल्स देते हैं, जैसे सुक्रोज। सुक्रोज की अगर बात करें, तो सुक्रोज जल अपघटन होने पर क्या दे रहा है? ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज। क्या देता है ये? ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज। और माल्टोज क्या देता है? दो यूनिट ऑफ ग्लूकोज। तो ऑब्वियसली इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? सुक्रोज एंड माल्टोज, सुक्रोज एंड माल्टोज। बात करें ऑलिगोसैकेराइड्स की, अगर बात करें ऑलिगोसैकेराइड्स की, ऑलिगोसैकेराइड्स ऑब्वियसली ये क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, जल अपघटन पर तीन से दस सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। तीन से दस सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं नेक्स्ट है पॉलीसेकेराइड। देखो जनरली क्लासिफिकेशन किया गया है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड, जिसमें हम पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड में स्टार्च। पॉलीसेकेराइड 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 भी क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं,
कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं तथा जल अपघटन पर 10 से अधिक सिंपल मॉलिक्यूल सिंपल कार्बोहाइड्रेट देते हैं हाइड्रोलिसिस पर। दस से अधिक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं स्टार्च तथा सेल्युलोज, एग्जाम्पल हैं इसके स्टार्च एंड सेल्युलोज, स्टार्च जल अपघटन पर 1000 से अधिक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स देता है। ये हमने बात करी है क्लासिफिकेशन की। तुम इसके थ्रू नोट्स भी बना सकते हो। बात करी है हमने मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड्स की। देखो जनरली क्लासिफिकेशन होता है मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होती है? 4 से 6। तो मैं इनके एग्जाम्पल याद रखे ग्लूकोज एंड फ्रेक्टोज। देखो ग्लूकोज क्या होता है ह्यूमन बॉडी में और फ्रेक्टोज क्या होता है प्लांट्स में। बात करें डाइसैकेराइड्स की तो डाइसैकेराइड्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये हाइड्रोलिसिस पे दो छोटे सुगर मॉलिक्यूल्स देते हैं, दो छोटे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। हम इनको सुगर मॉलिक्यूल्स लिखा है, इसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स भी लिख सकते हैं। दो छोटे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। जैसे सुक्रोज की अगर बात करिए तो सुक्रोज जल अपघटन पर ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज देता है तथा माल्टोज जल अपघटन पर क्या देता है? दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। बात करें ऑलिगोसैकेराइड्स की तो ये भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और 3 से 10 सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं जल अपघटन होने पर। लास्ट है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स में एग्जांपल है स्टार्च सेलुलोज। ये 10 से अधिक हाइड्रोलिसिस पर 10 से अधिक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं स्टार्च का सेलुलोज। जैसे अगर बात करें स्टार्च की तो स्टार्च जल अपघटन पर 1000 से अधिक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स देता है। ये हमने बात करी है इसकी जनरल क्लासिफिकेशन की। अगर बात करें अन्य क्लासिफिकेशन की तो उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर इनको बात कर रहे हैं इनके भौतिक गुणों के आधार पर इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, सुगर्स तथा नॉन सुगर्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर बेस पर के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है इनको, सुगर्स तथा नॉन सुगर। देखो नाम से पता चल रहा है सुगर तथा नॉन सुगर। सुगर क्या होती है? जो जल में विलय होती है, सॉल्युबल इन वॉटर। जैसे चीनी अगर बात करें तो ये क्या होती है? क्रिस्टलीय होती है, जल में विलय होती है और स्वाद में मीठी होती है।
सॉल्युबल इन वाटर, क्रिस्टल, और स्वीट इन टेस्ट। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड तथा ऑलिगोसैकेराइड्स इनके अंदर आते हैं। बात करें जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, एग्जाम्पल लिख सकते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ठीक है, ईटीसी इत्यादि। अगर बात करें नॉन शुगर्स की तो ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, नॉन क्रिस्टल, क्या ये स्वाद में मीठे होंगे? नहीं, ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। अगर बात करें एग्जाम्पल्स की तो पॉलीसेकेराइड बचा क्या है, देखो पॉलीसेकेराइड, तो पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, नॉन शुगर, एग्जाम्पल स्टार्च तथा सेल्युलोज। एग्जाम्पल क्या हो गए इनके, स्टार्च एंड सेल्युलोज। ये बात करी हमने शुगर्स और नॉन शुगर्स के बारे में, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, शुगर्स और नॉन शुगर्स। शुगर्स होते हैं सॉल्युबल इन वाटर, क्रिस्टलीय होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं। एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा लैक्टोज, मतलब मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड एंड ऑलिगोसैकेराइड्स। नॉन शुगर्स में होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर, नॉन क्रिस्टल, डज नॉट स्वीट इन टेस्ट, एंड इसके एग्जाम्पल है पॉलीसैकेराइड्स, स्टार्च तथा सेलुलोज। ये हमने बात करी है फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर भी दो प्रकार की होती है, रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज दे आर ऑफ टू टाइप, बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। रिड्यूसिंग अपचायक, अपचायक सर्कराइन हिंदी में लिख सकते हो। दूसरा होता है नॉन रिड्यूसिंग अनअपचायक, वो था नॉन सुगर्स। ये नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स तथा नॉन सुगर्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। On the basis of chemical properties, these are of two type, reducing and non-reducing sugars, anapchayak sarkarain. अब क्या होती है reducing sugars? Reducing sugars वो sugars होती हैं जो tolerance reagent, failing reagent, सिर्फ बेनेडिक्ट विलियन को अपचयित कर देती हैं। क्या बोला अपन ने, जो फेलिंग विलियन, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट, ईटीसी को रिड्यूस
कर देती है, अपचयित कर देती है. दीज आर कॉल्ड रिड्यूसिंग सुगर्स. एग्जाम्पल है इसके मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड. मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड. डाइसैकेराइड. लेकिन डाइसैकेराइड्स में सुक्रोज, डाइसैकेराइड्स में सुक्रोज रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होती है. रिड्यूसिंग सुगर नहीं होती है. मतलब ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग सुगर्स एक्सेप्ट सुक्रोज. रिड्यूसिंग सुगर्स विच आर रिड्यूस्ड फेलिंग सॉल्यूशन टॉलेंस रिएजेंट बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ईडीसी. दीज आर कॉल्ड रिड्यूसिंग सुगर्स जो कि फेलिंग बिलियन बेनेडिक्ट बिलियन तथा टॉलेंस अभिकर्मक को अपचयित कर देती हैं. क्या कहलाती हैं? रिड्यूसिंग सुगर्स कहलाती हैं. इनके एग्जाम्पल हैं मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स. डाइसैकेराइड्स में सुक्रोज को छोड़कर, सॉरी डाइसैकेराइड्स क्या होती हैं? रिड्यूसिंग सुगर होती हैं. बात करें नॉन रिड्यूसिंग की तो इसका उल्टा हमें लिखना है. जो फेलिंग बिलियन फेलिंग सॉल्यूशन टॉलेंस रिएजेंट तथा बेनेडिक्ट बिलियन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को अपचयित नहीं करती हैं. क्या कहलाती हैं? नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स. एग्जाम्पल है इसमें सुक्रोज. एग्जाम्पल है इसमें सुक्रोज. सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग सुगर है. ये हमने बात करी इनके क्लासिफिकेशन की, कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन की. तो कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन में हमने देखा ये सबसे पहले कितने प्रकार के हमने पढ़े थे, चार प्रकार के, मोनोसैकेराइड्स डाइसैकेराइड्स ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स. सबसे इंपॉर्टेंट है इनके एग्जाम्पल्स पॉलीसैकेराइड्स डाइसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड. सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स जो है उसमें ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज आते हैं. नेक्स्ट है ये जलअपघटन पर कोई भी स्मॉलर सुगर्स नहीं देते हैं. बात दूसरी थी डाइसैकेराइड्स की, तो डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं? डाइसैकेराइड्स जो कि दो मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं. जैसे बात करी थी हमने सुक्रोज तथा माल्टोज की. डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं? सुक्रोज था माल्टोज. नेक्स्ट हमने पढ़ा था ओलिगोसैकेराइड्स. ओलिगोसैकेराइड्स जिसमें हमने क्या पढ़ी थी, ये 3 से 10 क्या देती हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स. लास्ट अपना था पॉलीसैकेराइड्स. पॉलीसैकेराइड्स क्या थे? स्टार्च तथा सेल्युलोज. पॉलीसैकेराइड्स क्या थे? स्टार्च तथा सेल्युलोज. हमने नेक्स्ट पढ़ा था इनका क्लासिफिकेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर. तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन दो प्रकार से किया था, सुगर्स एंड नॉन सुगर्स. सुगर्स क्या होती हैं? विच आर सॉल्युबल इन वाटर एंड स्वीट इन टेस्ट एंड क्रिस्टलियन फॉर्म. तो ये क्रिस्टलीय स्वाद में मीठी तथा जल में विलेय होती हैं. सुगर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं. और उसमें एग्जाम्पल में हमने क्या पढ़ा था, मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड्स तथा ओलिगोसैकेराइड्स क्या कहलाती हैं? सुगर्स कहलाती हैं. नॉन सुगर्स में हमने देखा था नॉन सुगर्स क्या होती हैं, जो कि स्वाद में मीठी नहीं होती है, एक्रिस्टलीय होती है और जल में विलेय भी नहीं होती है. एग्जाम्पल था पॉलीसैकेराइड्स. अब हमने बात करी है केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर. तो केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर ये दो प्रकार की है, रिड्यूसिंग सुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स. तो रिड्यूसिंग सुगर्स क्या है? रिड्यूसिंग सुगर्स वो है जो फेलिंग बिलियन टॉलेंस रिएजेंट एंड बेनेडिक्ट बिलियन इत्यादि को अपचयित कर देती हैं. वो क्या कहलाती हैं? रिड्यूसिंग सुगर्स कहलाती हैं. देखो नाम से ही पता चल रहा है रिड्यूस, जो कि अपचयित करती हैं. इनके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल हैं इनके मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स सुक्रोज छोड़कर. सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग सुगर है. नॉन रिड्यूसिंग सुगर जो कि फेलिंग बिलियन टॉलेंस रिएजेंट एंड बेनेडिक्ट बिलियन को अपचयित नहीं करती है. एग्जाम्पल है सुक्रोज. आज हमने बात करी है कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन की. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड्स के बारे में.
कि मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, डाइसेकेराइड्स क्या होते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।